उत्तराखंड में 5 सीटों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी सिलसिले में उधम सिंह नगर जनपद में चुनाव ड्यूटी में से अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा अपना नाम हटाने के लिए अधिकारियों के कार्यकाल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में लोकसभा चुनाव के नोडल अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद में 10,000 अधिकारी और कर्मचारियों के चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है ताकि चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बताया कि ड्यूटी में लगे 10,000 कर्मचारियों में से 10% कर्मचारियों के द्वारा चुनाव ड्यूटी से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदनों की जांच की जा रही है और जांच के बाद प्राथमिकता के आधार पर ही चुनाव ड्यूटी से कर्मचारियों के नाम को हटाया जाएगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपको विदित है कि इलेक्शंस में एक भारी मैनपावर और मैनफोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड हो जो कि इन्फोर्समेंट के लिए चाहिए, VVT हो, VST हो, वीडियोग्राफी टीम हो, या फिर आपके एक्चुअल जो कार्मिक हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर और ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग देने वाले हों, ट्रेनिंग देने वाली टीम हो या ट्रेनिंग लेने वाली टीम हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, P1, P2, P3 हो, EVM हैंडलिंग मशीन हो, सूचना के आदान प्रदान के लिए MCMC की टीम हो, तो हर चीज़ के लिए जैसा आप देखें ह्यूमन इंटेंसिव ये पूरी एक्टिविटी रहती है। और माननीय भारत निर्वाचन आयोग का ये एक डायरेक्शन रहता है कि ये पूरा जो एक्टिविटी है, पूरा प्रोसीजर है, ये फ्लॉलेस रहे। और माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से लगातार हर एक बिंदु पे निर्देश हैं और गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर कट हैं। इसी क्रम में जैसा आपने पूछा है, हमारे लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ केवल उधम सिंह नगर में यहाँ पे विभिन्न गतिविधियों के लिए नियुक्त किए गए हैं।